ठीक से चेक कर लो, फाइल सब है। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हमें आप पे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट हम तो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, वो के सर ने कहा तो हमें बिना बताए अचानक से आना पड़ा। मैं जानता हूं के को, एक बार के का भरोसा उठ जाए तो। लेकिन मेरी बेटी को वापस घर भेज के अच्छा नहीं किया। बिजनेस तो चलता रहता है, लेकिन बेटी, उसकी इस गलती के लिए मैं के को कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए तो हम चाहते हैं रिद्धि भाभी कभी लौट कर ना जाए, चाहे अनुष्का कितनी भी कोशिश कर ले। कुछ बोलोगी भी या ऐसी बैठी रहोगी चुपचाप? चुपचाप इसलिए हूँ भाभी क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। बोलना भी नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस में आपकी एडवाइस ली, आपसे बात करके लिए डिसीजंस, और अपने घर छोड़ने से पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी भी नहीं समझा भाभी। आपकी लड़ाई अन्ना से है ना? मैं, माँ, अप्पा, आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। अप्पा ने अन्ना को थप्पड़ मारा तो आपने इतना बुरा मान लिया उस बात का? भाभी, अप्पा का इतना हक भी नहीं है अपने बेटे पर। मैं बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती। मेरी जो भी शिकायतें हैं, उम्मीदें हैं, वो मेरे अपने हस्बैंड से हैं। ठीक है फिर, तो आप चलिए मेरे साथ अभी के अभी, हमारे लिए और आपके हस्बैंड से तो ना हम सब मिलकर निपट लेंगे। चलिए चलिए ना भाभी, आपको याद है एक बार आपने मुझे ऐसे ही रोका था? चलिए मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। स्वीटी जी ने सही टाइम पर अनुष्का को घर से निकलते हुए देखकर हमें फोन कर दिया, तभी तो हमारी टाइमिंग इतनी करेक्ट बैठ गई। उठिए ना भाभी, अनुष्का ठीक ही कह रही है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। सिद्धांत, तुम कब आए? वो भाभी, सुधांशु सर से कुछ काम था, और सॉरी हमने चोरी छुपे आपकी बातें सुन ली। लेकिन अनुष्का ठीक कह रही है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। वहां पे सब आपको मिस कर रहे हैं, सिर्फ श्रीकांत थोड़े से अकड़ू हैं, तो आप जानते ही हैं वो शुरू से ही ऐसे। नहीं तो बिल्कुल नहीं, अन्ना बिल्कुल भी अकड़ू नहीं, और भाभी तो प्यार करने वालों में तो लड़ाई होती रहती है ना। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। अभी हम बस इतना कह रहे हैं, ये हम मानते हैं श्रीकांत को आपको वापस लेने आना चाहिए था, लेकिन आप इतना भी मत सोचिए, इतना सोचेंगी तो जिएंगी कैसे? सिद्धांत, तुम्हारा काम हो गया है ना? हो गया है तो तुम जा सकते हो, जाओ ना तुम। भाभी चलिए, मैं आपकी पैकिंग करा देती हूँ। चलिए। देखिए भाभी, हम श्रीकांत के दोस्त हैं, दोस्त क्या, भाई समझ लीजिए। हमने अपनी लाइफ उनके लिए दांव पे लगाई थी, आपको याद होगा। इतना हक तो बनता है हमारा। हम बस इतना कह रहे हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। बात बस इतनी है कि कोई घर टूटना नहीं चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हम श्रीकांत की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे
माफी मांग लेते हैं। भाभी, अनुष्का, मैं दबने, झुकने या कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं हूं। जाकर बोल दो अपने श्री अन्ना से, रिद्धि वापस नहीं आएगी। हमें माफ कर देना अनुष्का। यू नो अनु, मेरे ना वापस जाने का असली कारण क्या है? तुमने कहा था ना, दो प्यार करने वालों में झगड़े होते रहते हैं। मुझे लगता है कि श्री और मेरे बीच कुछ प्यार बचा ही नहीं है। पता नहीं क्यों, अब श्रीकांत कुछ भी करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Come in. Bura. Baitho. Coffee? Sure. दो कैपेचिनो। कार्तिक, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यू नो, तुम हमसे बड़े हो, अमीर हो, और हम तुम्हें इतने अच्छे तरीके से जानते भी नहीं हैं। पर फिर भी पता नहीं क्यों हम तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। कार्तिक, हम कुछ बोल रहे हैं। हाँ, पूरा। मैं भी एक बात बोलूं, तुम इंडियन ड्रेसेस में ज्यादा अच्छी लगती हो। इनमें अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हो, पर इंडियन ड्रेसेस में ज्यादा अच्छी लगती हो। एनीवेज, आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, और कल से तुम्हें हमें इनमें या इंडियन ड्रेसेस में किसी में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच कार्तिक। पूर्वा, कॉफी पी के जाओ। फिर कभी, अभी बहुत लेट हो रहा है। तुम्हारी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होना चाहता पूर्वा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, कभी नहीं। हेलो भाभी, भाभी प्लीज आप आ जाइए, वो श्री अन्ना। क्या क्या हुआ श्रीकांत को? भाभी, अन्ना सीढ़ियों से गिर गए। भाभी पता नहीं कहाँ ध्यान था उनका, बहुत चोट लगी है। भाभी प्लीज आप जल्दी आ जाइए बस। हाँ ठीक है। मैं क्यों, वहां और भी लोग हैं ना श्रीकांत का ध्यान रखने के लिए, मेरी क्या जरूरत है? भाभी क्या हुआ, क्या हुआ श्रीकांत को?
सिद्धांत, ये मेरे घर का मामला है, तुम इन सब में मत पड़ो। लेकिन हुआ क्या है? ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है सिद्धांत। तुम मौका भी नहीं देखती हो। हुआ क्या है श्रीकांत को हमें बताओ। अनुष्का प्लीज। श्रीकांत का सुना तो खुद को संभाल नहीं पाए, बह गए थे। बहुत पुरानी दोस्ती है ना हमारी। चलो, किसी के साथ तो पुरानी दोस्ती निभा रहे हो तुम। सिद्धांत, तुम्हें ऑफिस के काम से आए थे, उसी पे कंसंट्रेट करो। इस घर या यहाँ के फैमिली मेंबर्स की लाइफ में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और श्री अन्ना के लिए हम सब हैं, रिद्धि भाभी भी हैं। रिद्धि भाभी आ रही है वापस? क्यों नहीं आएंगी? लोगों में लड़ाइयां तो होती रहती है ना। इनफैक्ट रिद्धि भाभी तो निकल भी गई होंगी अभी तक। लेकिन मैं अपने पापा का आंसर कैसे भूल जाऊं? अगर मुझे चोट लगती तो क्या श्री आता? वो तो अपने पापा के डर से बैठा रहता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ सिद्धांत? क्या हुआ? क्या है? ज्यादा चोट लगी है क्या श्री को? सिद्धांत बाबा, आप बुलाया मुझको? हुआ क्या है? हमें ठीक से नहीं पता, वो अनुष्का उन्हीं के साथ है। अनु, क्या हुआ है? कहाँ है श्री? माँ, अन्ना अपने रूम में है, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। राव, श्री कहाँ है? अभी तो यहीं थे अन्ना। श्री, श्री। अच्छा वो बेटा तुम आ गई। मामा श्री कहाँ है? यही तो मैं अन्नु से पूछ रही हूँ। किस इंतजार की? क्या हुआ? आप सब लोग यहां मेरे कमरे में? मैं कितना डर गई थी श्री। क्यों, मुझे क्या होना था? अनु, तुम तो कह रही थी कि श्रीकांत को चोट लगी है, लेकिन ये तो हाँ, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। तुम्हें ये मजाक लगता है? तुमने श्री के लिए ऐसे सोचा भी कैसे?
रिद्धि अन्ना भाभी, अगर आप अन्ना से प्यार नहीं करती तो ये बात सुन के भागी भागी क्यों आई? क्योंकि आप अन्ना से बहुत प्यार करती हैं, और जो लोग प्यार करते हैं ना उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। अनु, I'm so sorry, मैंने तुम्हें ऐसे थप्पड़। भाभी भाभी, मुझे आपके थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नफरत कभी प्यार से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नफरत हमेशा तोड़ती है और प्यार प्यार हमेशा जोड़ता है। हम अगर अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे ना, तो हम तो बस यही चाहेंगे कि जब भी नफरत और प्यार में से किसी एक चीज को चुनना पड़े ना, तो हमेशा प्यार को चुनना। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो गोयल। गोयल, तुम्हारे बेनिफिट की बात कर रही हूं, जस्ट टेल मी। अभी भी मौका है गोयल, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जो उस रेस्टोरेंट में तुम्हारा जाना कोइंसिडेंस था, या तुम्हें किसी ने कहा था वहां जाने के लिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसका जवाब दूंगा? तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी हीरा। गोयल लिसन, मैं तुम्हारी केके से दोस्ती भी करवा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। केके के सामने मैं एक बार हाथ फैला चुका हूँ हीरा, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गोयल, गलती करने वाले को बचाना। You have no idea कि केके की जड़ें कितनी गहरी हैं। We'll find a tool. आप हमें ढूंढ रही थी हीरा मैम? हाँ, वो बैंक वाले प्रोजेक्ट पे कुछ डिस्कस करना है। थैंक गॉड, दो प्यार करने वाले फिर से मिल गए। क्लाउन फिश, ओह माय गॉड, ये आई कहां से? तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि सारी फिश मर गई हैं? गुस्सा सिर्फ तुम्हारे मन में थोड़ी था, हम भी गुस्सा थे। तुम्हारे जाने के बाद उल्टा हम तो इन फिशेस का ज्यादा ध्यान रखने लगे। तुम्हें पता है मैं कितना मिस करती थी इनको यूएस में, इतना कि मैंने ओरेंडा फिश रख ली थी, और अब यहाँ मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैंने कितना ढूंढने की कोशिश की, पर यहाँ तो ओरेंडा फिश मिलती ही नहीं है। हम ला देंगे। सिद्धांत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।